तो हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं यूपी पीजीटी के लिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपके अगर आप नेट यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ताकि क्या होगा, इसमें आपका मल्टीपल रिविजन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया है हमारे पास क्वेश्चन। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम मायर ब्रिक्स प्रकार संकेतक द्वारा नहीं मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर है ना। तो आप सभी को मालूम है कि मायर ब्रिक्स जो है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं हम व्यक्तित्व के टेस्ट के लिए, है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मायर्स ब्रिक का। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको चार आयाम दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से एमबीआईटी मायर्स ब्रिक्स प्रकार संकेतक द्वारा नहीं मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नहीं, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कौन कौन सा दिया है इसमें आपके पास, ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला दिया है चिंतन बनाम भावना, यहाँ भावना लिखा है, यहाँ भावना समझ सकते हैं। ठीक है, तो यूपी पीजीटी के एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार आपको ऐसे गलत चीजें देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, इसको सही कैसे करेंगे, अगर आप सही जगह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकेंगे, रियल टाइम में आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे जो भी आपने आंसर दिया है। ठीक है, ओके। यहां से पूछ रहा है, पहला है आयाम दिया है चिंतन बनाम भावना, दूसरा दिया है अनुभव बनाम अंतर्ज्ञान। ठीक है, अनुभव बनाम अंतर्ज्ञान। तीसरा दिया है स्थायी बनाम अस्थायी, स्टेबल अनस्टेबल। और तीसरा दिया है बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी। ठीक है, तो मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर में से इनमें से कौन सा आयाम नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा, आप सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर 3, स्थाई बनाम अस्थाई। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज के बाद आप इस चीज को फिक्स कर लीजिए कि स्थाई बनाम अस्थाई है ना, स्टेबल और अनस्टेबल हम क्या करते हैं इस संकेतक द्वारा नहीं मापते हैं ना, कौन सा, मायर्स ब्रिक्स टाइप इन्वेंटरी। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार का व्यक्तित्व टेस्ट है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट है एक प्रकार का, और किस टाइप का है, ये है सेल्फ रिपोर्ट, है ना, सेल्फ रिपोर्ट है, आप स्वयं रिपोर्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व के बारे में। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा, स्थाई बनाम अस्थाई नहीं होता है, चिंतन बनाम भावना ये है आपके मायर ब्रिक्स एमबीटीआई के अंदर है। ठीक है, एमबीटीआई के अंदर क्या है आपका, चिंतन बनाम भावना है, अनुभव बनाम अंतर्ज्ञान है, और बहिर्मुखी और अंतर्मुखी भी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहां पर देखिए अगला सवाल, अगला सवाल में जैसे ही आप देखते हैं गार्डनर, ठीक है, जैसे ही आप गार्डनर देखते हैं आपको क्या क्या याद आती है, आपको आती है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, है ना, अनेक बुद्धि सिद्धांत आपको याद आता है। फिर से देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, ऐसे आपको प्रश्न पत्र में हाईलाइट करना है, नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दबाजी में क्या होता है, हड़बड़ी में क्या होता है कि आप इसको पढ़ते नहीं है और आप सही पे मार्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जो आपकी एनसीईआरटी में बड़ी अच्छे से दी हुई है, अनेक बुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर का, हार्वर्ड गार्डनर का, है ना, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया है संगीत बुद्धि, है ना, दूसरा दिया है सांस्कृतिक बुद्धि, तीसरा दिया है भाषीय बुद्धि, और चौथा दिया है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि जानते हैं आप है गार्डनर जी के, इसमें भाषीय बुद्धि भी है गार्डनर की थ्योरी में, संगीत बुद्धि भी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये भी उसके अंदर है, लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा है सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में गार्डनर द्वारा। ठीक है, अनेक प्रकार के इंटेलिजेंस पढ़े हैं हमने, मल्टीपल टाइप इंटेलिजेंस पढ़े हैं, बुद्धि के प्रकार पढ़े हैं, सिद्धांत पढ़े हैं, लेकिन हमने गार्डनर जी के थ्योरी में हमने सांस्कृतिक बुद्धि का सिद्धांत या सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, प्रश्न भी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक बुद्धि। ठीक है, ये सिद्धांत गार्डनर की थ्योरी में नहीं है, है ना, अनेक बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो सांस्कृतिक बुद्धि जो है गार्डनर की थ्योरी में नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया अस्थाई, अस्थाई बनाम अस्थाई, सॉरी अस्थाई बनाम स्थाई बनाम अस्थाई। ठीक है, ये क्या है, ये आपके एमबीटीआई टेस्ट जो है पर्सनल सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, है ना, इसके अंदर आपका नहीं है। और दूसरा क्या देखा हमने, सांस्कृतिक बुद्धि गार्डनर के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, ओके, तो 4 मिनट में आपने दो चीजें सीख ली, कंफर्म श्योर शॉट 100% सही। तो अगर आपको रिपीट होगा ये प्रश्न तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी आपको आंसर की मुश्किल से मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस देखते रहिए। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहां पर देखिए अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से, ये साइकोलॉजिस्ट है, इनमें से
सात मूल मानसिक क्षमता का मॉडल है ना, कितने, सेवन बेसिक, सेवन मूल मानसिक क्षमता का मॉडल दिया था, किसने दिया था, सात मेंटल एबिलिटीज का, मानसिक क्षमता का मॉडल, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास एल एल थर्स्टन, दूसरा दिया है आपके पास जेपी गिलफोर्ड, तीसरा दिया है जीन पियागे और चौथा दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आसान सवाल है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो। मूल मानसिक क्षमता का, सात मूल मानसिक क्षमता का मॉडल किसने दिया है, हमको दिया है ये मॉडल एल एल थर्स्टन जी ने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, जो हमारी मानसिक क्षमता है उसके जो सात मूल है, इनका हमको किसने दिया है, इसका दिया है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल एल थर्स्टन ने हमको दिया है, ठीक है। ओके, अब आप नीचे एक प्रश्न देख रहे हैं, ये इस वीडियो के लिए तीन सवाल हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा है इन वीडियो के अंदर, हमने देखा कि एल एल थर्स्टन जो है इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने सात मूल मानसिक क्षमता का मॉडल दिया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जहां भी आपके नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें इसको मार्क करके लिखते जाइए, ठीक है, ताकि जब आप रिविजन करेंगे एग्जाम के पहले तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो सात मूल मानसिक क्षमता का मॉडल किसने दिया है हमको, एल एल थर्स्टन ने दिया है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एमबीटीआई है ना, इसके अंदर क्या है हमारा, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, अस्थाई बनाम अस्थाई, ये वाला प्रकार संकेतक हमारे पास नहीं है, कौन से, मायर्स ब्रिग्स टेस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, उसमें जो सांस्कृतिक बुद्धि है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर, ठीक है, सांस्कृतिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसके अंदर नहीं है, आपके गार्डनर की थ्योरी के अंदर, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने तीन सवाल सॉल्व कर लिए। अगला सवाल जो देख रहे हैं आप, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज थ्री टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, तीन टाइप की पर्सनैलिटी, तीन टाइप के व्यक्तित्व के बारे में, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, पाइकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेटिक, ठीक है। ये जो तीन टाइप के हैं इसको किसने बताया था, ये आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न के अंदर, ठीक है, सॉरी एस्थेनिक पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, एस्थेनिक, पाइकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक, ये जो टाइप की पर्सनैलिटी है ये किसने बताया था, अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर के साथ आपको वीडियो प्रेजेंट किया जाएगा, ऑलराइट, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, ओके। एंड अगर इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यूपी पीजीटी के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9826992769 इस पे आप कॉल करके, सॉरी व्हाट्सएप करके पहले आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑलराइट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।